अरुणाचल के पास चीन के गांव को लेकर बड़ी खबर है। पेंटागन की रिपोर्ट को भारतीय एजेंसियों ने गलत बताया है। चीन के नियंत्रण वाले इलाके में बनाया गया है गांव। 1959 से उस इलाके पर है चीन का कब्जा, यह भी क्लियर किया गया है सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर, पेंटागन की रिपोर्ट में कही गई थी अरुणाचल सेक्टर में गांव बनाने की बात। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। एसवीपी सिंह साहब, सबसे पहले इस पर आपका रिएक्शन। पेंटागन की एक रिपोर्ट जिसमें भारत के लिए खतरे का इजहार भी किया गया था, अब उस रिपोर्ट को गलत बताया गया है, खासतौर पर अरुणाचल के कुछ इलाके में, अरुणाचल पर एलएसी में जो गांव बनाने की बात सामने आई थी उसे लेकर। समीर, शुक्रिया आपका। मैं आपका यह पॉइंट एड्रेस करूंगा, पर मुझे मौका दे, मैं 3-4 पॉइंट और बताना चाहता हूँ पिछले डिस्कशन के ऊपर। जल्दी से सर। अभी ये जो चीन का जो ये 1959 में इन्होंने यहाँ पे कब्जा किया था, हाँ। और उसके बाद इन्होंने अपनी डेवलपमेंट वहाँ पे जारी रखी है। सो हमारे भारत ने अभी बताया है कि तब का इनका ये जो 100 हट्स का जो ये विलेज बना है वो उस समय का बना हुआ है, पर हमारे लिए जो सिक्योरिटी और सुरक्षा का ये एंगल रखते हुए ये मालूम होना चाहिए कि ये जितने भी ऐसे डेवलपमेंट हो रही है इसके अंदर उनकी डिफेंस इंस्टॉलेशन और डिफेंस इंस्टॉलेशन को आक्रमण तरीके से इस्तेमाल करना वो एक हमारे को खतरा रहता है और उसके ऊपर हमें कड़ी नजर रखनी है। मुझे मौका की बहुत ज्यादा जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मजबूत किया जा रहा है एलएसी के उस तरफ भी, चीन अगर अपने इलाके में भी एलएसी से सटे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है, वहां गांव बसा रहा है, तो निश्चित तौर पर हमारे लिए क्या खतरा हो सकता है, उस खतरे से सावधान रहने की जरूरत तो है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।